ऑलराइट देन, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। स्वागत है जी आप सभी का आज के सेशन में। आई होप मेरी वॉइस क्लियर है सभी बच्चों को, तो इस उम्मीद के साथ कि मेरी वॉइस क्लियर है, आवाज़ साफ आ रही है। उम्मीद क्या, मैं चेक ही कर लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन है तो चेक कर लेते हैं। चलो ऑल सेट, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की वार्तालाप। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक मैंने आप लोग को कराया, एंड अभी जैसे मैंने बताया था उसका एक और पार्ट मैं शेड्यूल करूंगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, क्योंकि कुछ एक और मतलब ज़्यादा नहीं, बस दो चार वैरायटी के क्वेश्चन हैं जो कि रहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कोई भी पॉइंट ऐसा मिस रह जाए। भले ही यूट्यूब पे है, फ्री सेशंस है, बट उसको थोड़ा सीरियस लेते हैं और इस तरीके से करते हैं कि पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये चैप्टर हम लोगों ने करा, बट क्या होता है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन एज इन जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक एप्लीकेशन है। ओके, एंड नमस्ते I8BPE1 जो भी है, और उसके बाद ट्रेन हो गया। ठीक है, ट्रेन इसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एस्केलेटर वाले क्वेश्चन हो गए, ये क्योंकि इसका एक एप्लीकेशन हो गया हमारा। ठीक है, फिर रेस वाले क्वेश्चन हो गए, और रेस में दो कैटेगरी के क्वेश्चन, दैट इज लीनियर एंड सर्कुलर। ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, और फिर जब हमारा रेस कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग क्लॉक वाले क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेंगे। तो फिलहाल में खैर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद बोट एंड स्ट्रीम, तो बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे। गुड इवनिंग इंजेती, एंड खैर फिलहाल में अनअकैडमी अंडरस्कोर रमन ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, वहां पर आकर के आप मेरे से अपनी बातें कर सकते हैं। ठीक है, वन टू वन मैसेज कर लेना है, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। और यार एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बस अभी स्लाइड्स में बाद में शो करूंगा, लेकिन राइट नाउ जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप सुन लेना, दैट इज AIMT, मतलब कि कल कल 14th ऑफ अगस्त 12 बजे से 2 बजे तक आपका AIMT होने वाला है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ओके, बहुत से यार बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग भी जाकर के इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। RMN10 कोड मांगेगा, तो ये कोड डाल देना। फ्री टेस्ट है, बट बहुत अच्छे लेवल का टेस्ट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना ना भूले, AIMT। ओके, कल 12 बजे होने वाला है, 14th कल है। फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। तो हम लोग करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर बातें। ठीक है, देखो यार ये सारे क्वेश्चन कराने से पहले, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है इन सबको मैं वन बाय वन आपके साथ समअप करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर को समझ लेते हैं कि ये बोट एंड स्ट्रीम क्या चैप्टर है, कैसे डील करते हैं, उसमें क्या वो छोटे छोटे से फॉर्मुलाज हैं जिसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट हम बड़े आराम से इन चैप्टर को, इस चैप्टर के क्वेश्चन को डील कर पाए। लेकिन उससे पहले जरूरी क्या है कि जितनी भी बातें हैं, लाइक वो जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है या वट एवर जो भी इसकी छोटी सी थ्योरी है, वो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर आते हैं और वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले कहानी सुनना। देखो होता क्या है कि अगर यू नो बोट एंड स्ट्रीम में कि एक आदमी होता है जो रिवर के अंदर स्विम करता है, या फिर एक बोट होती है जो रिवर में स्विम करती है। तो देखो अगर फॉर एग्जांपल मुझे जानने की यार मेरी स्विमिंग स्पीड क्या है, मैं कितने की स्पीड से स्विम कर पाता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो यू नो लाइक स्विमिंग पूल जहां पर पानी रुका हुआ है, रुके हुए पानी में मैं स्विम करके ये देखूंगा कि मेरी स्पीड कितनी है रुके हुए पानी में। इट्स नॉट लाइक कि मैं रिवर में जा करके स्विम कर रहा हूं और उसके बेसिस पे अपनी स्पीड जज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि रिवर में जो पानी है वो बहता हुआ होता है, यू नो वहां पर जो रिवर है, रिवर की भी अपनी एक स्पीड होती है। मान लो रिवर की स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर पर आर है, और मैं उसके अंदर स्विम कर रहा हूं, मैं उसके अंदर स्विम कर रहा हूं विद 3 किलोमीटर पर आर। मेरी खुद की जो स्पीड है वो 3 है, रिवर की स्पीड 2 है, तो मैं कहीं ना कहीं मूव कर रहा हूंगा कितना, 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, यू नो 5 की स्पीड से मैं स्विम कर रहा। तो इसलिए क्या होता है, अगर आपको यह जानना है कि भाई आदमी की स्पीड कितनी है, मतलब आपकी कैपेबिलिटी कितनी कि आप कितनी की स्पीड से स्विम कर पाते हो, तो उसके लिए जो स्पीड देखी जाती है वो स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में देखी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट इज स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में आदमी की स्पीड कितनी है। तो मान लो मैं बोल देता हूं m किलोमीटर पर आर, और फिर उसके बाद दूसरी चीज जो मैटर करती है, पहला तो कि भाई मेरी स्पीड क्या है। गुड इवनिंग ईशान, पहला तो पॉइंट कि भाई मेरी स्पीड क्या है, और उसके बाद डिपेंड करेगा कि जो रिवर है जिसमें मैं स्विम कर रहा हूं, वो रिवर के अंदर जो पानी है वो कितने की स्पीड से स्विम कर रहा है और मतलब फ्लो कर रहा है। तो स्पीड ऑफ रिवर, या फिर वर्ड वो लोग यूज करते हैं करंट,
या फिर वो लोग वर्ड यूज करते हैं स्ट्रीम, ठीक है। तो जो स्पीड है रिवर करंट या स्ट्रीम की वो कितनी है, दैट इज आर किलोमीटर पर आर, क्या आर किलोमीटर पर आर। अब देखो पॉइंट क्या है कि जब आप रिवर में स्विम करोगे, जैसे ये रिवर है ठीक है, अब इसमें पानी जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिपेंड करता है कि जब आप स्विम करोगे तो आप रिवर के साथ साथ स्विम कर रहे हो या फिर रिवर के अगेंस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मान लो मैं नदी में गया, तो या तो मैं रिवर के साथ साथ स्विम करूंगा या फिर उसके अगेंस्ट में स्विम करूंगा। तो पहला पॉइंट क्या होता है, दैट इज स्पीड ऑफ मैन अलोंग द रिवर। कैसा, अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर। और ये जो होता है ना स्पीड ऑफ मैन अलोंग द रिवर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जब आप रिवर के साथ साथ स्विम करते हो तो इसे क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब ही होता है कि आप रिवर के साथ साथ स्विम कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है आदमी और रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है, यानी एम प्लस आर किलोमीटर पर आर। और फिर एक अगला केस आता है, दैट इज स्पीड ऑफ मैन अगेंस्ट द रिवर, अगेंस्ट द रिवर। और जब आप रिवर के अगेंस्ट स्विम करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम, कि भाई अप स्ट्रीम स्पीड आपकी कितनी है, दैट इज एम माइनस आर किलोमीटर पर आर, एम माइनस आर किलोमीटर पर आर। क्या यहां तक बातें सभी बच्चों को क्लियर है? आराम से पहले बातें सुन लो, उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चंस पे आएंगे। डन है इंजेति, ईशान, विनित, जो भी बच्चे हैं। क्या बोली मैंने बात, भाई यहां पे चार केसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस होता है दैट इज कि आदमी की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, रिवर करंट या स्ट्रीम एक ही बात है, उसकी स्पीड क्या है, मैन की स्पीड डाउन स्ट्रीम वाइज कितनी है और मैन की स्पीड अप स्ट्रीम वाइज कितनी है। ये चार बातें होती हैं छोटी छोटी सी, राइट। तो यहां पे कुछ बातें निकल के आई, क्या कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, दैट इज एम प्लस आर। अगर आपकी कैपेबिलिटी है 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से स्विम करने की और रिवर चल बह रही है 1 किलोमीटर पर आर से, तो आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, एड कर दोगे 2 और 1 3। एंड इसी तरीके से अगर आपको अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो ये हो जाती है एम माइनस आर। अब यार देखो ये दो ना छोटी छोटी सी इक्वेशन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो एलिमिनेशन तो क्या होगा, आर से आर कट जाएगा और यहां पर क्या आएगा, डी प्लस यू इज इक्वल टू 2m। तो यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, डी प्लस यू बाई 2 आएगी। तो कहने का मतलब अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम बता दी जाए और फिर मैं पूछूं बताओ आदमी की स्पीड क्या होगी, तो डी प्लस यू बाई 2। एंड ऐसी डाउन स्ट्रीम इज एम प्लस आर, अपस्ट्रीम इज एम माइनस आर। और अगर आप एलिमिनेशन मेथड से एम को एलिमिनेट कर देते हो तो यहां पर क्या होगा, डी माइनस यू इज इक्वल टू 2 आर, यानी रिवर की स्पीड क्या होगी, डी माइनस यू अपॉन में 2 होगी। डन। तो कुल मिला के चार छोटे छोटे से सिंबल हैं और उनके लिए चार छोटी छोटी सी बातें हैं। पहला एम का मतलब क्या है, क्लैरिटी रखो पहले दिमाग में ताकि फिर हम लोग इजिली क्वेश्चन को डील कर पाए। एम का मतलब है, अपने मन में आंसर करो, एम का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वॉटर, रुके हुए पानी में आदमी की स्पीड कितनी है, एम। आर का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ रिवर, कि रिवर कितनी स्पीड से स्विम कर रही है। डी का मतलब क्या है, कि जब आदमी रिवर में स्विम कर रहा है तो अगर वो रिवर के साथ साथ स्विम कर रहा है मतलब अलोंग द रिवर, तो उसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम केस। और यू का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम, कि जब आदमी रिवर के अगेंस्ट स्विम कर रहा है मतलब रिवर इस डायरेक्शन में और आदमी इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो वहां पर आदमी की स्पीड अप स्ट्रीम आएगी। एम अगर निकालना है तो एम का फॉर्मूला क्या है, डी प्लस यू बाय 2। आर का फॉर्मूला क्या है, डी माइनस यू बाय 2। डी क्या होता है, एम प्लस आर, और यू होता है एम माइनस आर। अब एक बार फाइनल वाला चैट के थ्रू बताओ क्या ये पूरी कहानी समझ आ गई, बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक्स क्लियर है सभी बच्चों को? तो मैं कुछ क्वेश्चंस पे आ जाऊं। सृष्टि, अमित, हरि, ईशान, इंजेती, जो भी बच्चे हैं, बातें क्लियर पूरी तरीके से, एक पिक्चर बन गई, क्लैरिटी बन गई दिमाग में, राइट। चलो अब देखो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले आप इस चीज को समझना, एक काम करो मैं इसको हटाता हूं ये जो मैंने लिखा। देखो सबसे पहले तो एक कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता, पहले ना मैं थोड़ा सा ना आपको रिदम में लेकर आता हूं, फिर आप लोग वन बाय वन खुद ही क्वेश्चन को डील करना, मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद सॉल्व करना, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या होता है ना, एक जो क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट कैटेगरी के, उसमें वो क्या करता है, कोई भी दो वैल्यूज आपको बता देता है, आप लोग मुझे फटाफट से आंसर बताना, कि अगर रिवर की स्पीड है लेट से 3 किलोमीटर पर आर और आदमी की स्पीड है लेट से 8 किलोमीटर पर आर, तो आदमी की स्पीड डाउन स्ट्रीम वाइज कितनी होगी और अप स्ट्रीम वाइज कितनी होगी। अगर रिवर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आर, आदमी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आर, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी,
पहले ना इन फॉर्मुलों पे हाथ सेट कर लो। पहले दो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं आप लोगों से फटाफट पूछता हूं, ताकि फॉर्मुले ना आपको सबकॉन्शियसली दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो अगर रिवर की स्पीड है 3 और आदमी की स्पीड है 8, तो रिवर की स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी कितनी होगी? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर के साथ साथ स्विम करना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? दैट इज 8 + 3 यानी कि 11। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 8 - 3 यानी कि 5। सिंपल सी बात है कि भाई अगर आदमी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, राइट, और रिवर की स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 8 + 3 यानी 11, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 8 - 3 यानी कि 5। चलो एक और पूछता हूं मैं आपसे, आप लोग मुझे बताना, अगर आदमी की स्पीड है लेट से 8 किलोमीटर पर आवर और आदमी की जो अपस्ट्रीम स्पीड है लेट से वो है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर, तो जरा ये बताना इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी आदमी की। यानी इस क्वेश्चन को प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज मैं बोलूं तो मैं ये बोलूंगा, अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। व्हेन द मैन स्विम अगेंस्ट द रिवर हिज स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन डाउन स्ट्रीम, कि डाउन स्ट्रीम वाइज आदमी की स्पीड क्या होगी। अमित का कहना है क्या आंसर होना चाहिए बताओ। तो देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला देख लो ना कौन सा यूज हो रहा है, सिंपल गेम है। यहां पर एम डी यू कौन सा वाला, आदमी वाला यूज कर लो, एम इज इक्वल टू होता है डी प्लस यू बाय टू, तो 8 2 16 में से 6 गया, डी की वैल्यू 10 आएगी, सिंपल सी बात है, राइट। अभी देखो इतने बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, अभी बस आपका हाथ सेट कराने के लिए मैं ये सब क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा हाथ सेट हो जाए और कुछ नहीं। चलो एक और बता दो, एक लास्ट और बता दो आप मुझे, कि मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में बोला कि यार रिवर की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो है 14 किलोमीटर पर आवर, तो ये बताओ आदमी की अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी। अगर रिवर की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी मैन की, आदमी की अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? सृष्टि 2 और नहीं, शायद 2 नहीं होगा, नहीं शुक्रिया, 5 नहीं होगा, चेक करो। रिवर की स्पीड है 5, डाउन स्ट्रीम स्पीड है 14, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? दोबारा कैलकुलेट करो, गलत मत करो। ये चार छोटे छोटे से फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, m इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई टू, आर इज इक्वल टू डी माइनस यू बाई टू, डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है m प्लस आर और अप स्ट्रीम स्पीड होती है m माइनस आर। तो आप क्या बोलोगे कि सर रिवर की स्पीड क्या होता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू डी माइनस यू अपॉन टू होता है ना, तो आर कितना हो गया 4 है और ये कितना है 14 माइनस यू अपॉन में 2, 4 2 8, तो यू की वैल्यू 6 आएगी यार, 6 आएगी, हाँ अब ठीक है 6 है, अब बेटर है, ठीक है। चलो यार एक लास्ट पूछो, बिल्कुल सही आंसर बताना, ठीक है ना, एक लास्ट मैं पूछता हूँ इस उम्मीद से कि आप सभी लोग आंसर सही बताओगे, ठीक है, यहाँ से हटाओ इसको, एक लास्ट और पूछ लेता हूँ मैं। एक लास्ट और है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है आपकी लेट से 18 किलोमीटर पर आवर और मैन की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, तो ये बताओ अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम स्पीड है सॉरी आदमी की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी। यानी कि अ मैन कैन स्विम डाउन स्ट्रीम विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, मैन कैन स्विम इन द स्टिल वाटर विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर, फाइंड वट वुड बी द स्पीड ऑफ मैन इन अप स्ट्रीम। तो सृष्टि आपका कहना है 8, ओके, इंजेति 7, शुक्रिया 8, अमित 6, दीपिका 8, तो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है डी प्लस यू बाय टू होता है, तो m कितना आपका 13 है, दिस इज 18 प्लस यू बाय टू, 13 2 26 होगा, 26 में से 18 जाएगा,
तो अपस्ट्रीम स्पीड आपकी क्या आएगी, 8 आएगी यार, ठीक है, 8 आंसर आएगा। डन है, आई होप ये बात क्लियर है, कर लोगे ये सब चीजें आप लोग, ठीक है। कोई नहीं, अभी कुछ एक गलतियां हो रही हैं, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे आ जाएंगे चीजें ना, धीरे धीरे करके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब मेरी बात को सुनना, देखो अब एग्जामिनर को ना कई बार लगता है कि यार ये ना हम कुछ ज्यादा डायरेक्ट दे रहे हैं बच्चे को क्वेश्चन, कि ऐसे हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि डाउन स्ट्रीम स्पीड 18 किलोमीटर पर आ रहा है, तो एग्जामिनर को लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा डायरेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी करते हैं क्वेश्चन को। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा लेंदी करने के लिए, मान लो मैंने क्वेश्चन इस तरह से बना दिया, डाउन स्ट्रीम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट बोलने के बजाय मैंने क्या बोला कि जो मैन है ना, मैन कैन स्विम 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, ठीक है। 13 का तो इसके लिए मैंने बोल दिया कि ही कैन स्विम 52 किलोमीटर इन स्टिल वाटर कॉमा इन 4 आवर्स, ठीक है। फिर अपस्ट्रीम स्पीड पूछनी है तो उसमें भी मैंने पंगेबाजी करी, मैंने क्या बोला कि फाइंड इन हाउ मच टाइम ही कैन स्विम 48 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। तो देखो सिंपल बात है, अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन मैंने ये पूछा है ना, ऑलमोस्ट सेम बात मैंने यहां पर लिखी है, बट बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं बोली। पहले मैंने क्या बोला कि जो आदमी है वो 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3 घंटे में ट्रेवल करता है, तो उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आप निकाल सकते हो क्या, कि सर डाउन स्ट्रीम में 54 किलोमीटर अगर वो 3 घंटे में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। फिर मैंने बोला ही कैन स्विम 52 किलोमीटर इन स्टिल वाटर 4 घंटे में, तो आदमी अगर स्टिल वाटर में 52 किलोमीटर 4 आवर्स में ट्रेवल कर रहा है, तो आदमी की जो स्पीड है, मैन की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी हो गई, 52 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 13 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने अपस्ट्रीम स्पीड नहीं पूछी, मैंने ये पूछा कि बताओ अपस्ट्रीम वाइज कितना टाइम लगेगा, मैंने टाइम पूछा। अच्छा टाइम अगर पूछ रहा हूं, अगर मैं किसी क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछता हूं तो पक्की बात है कि मैं आपको डिस्टेंस और स्पीड बताऊंगा, तभी तो आप टाइम निकाल पाओगे। तो डिस्टेंस तो मैंने बता दिया 48, टाइम क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस तो आपको पता है 48, लेकिन अपस्ट्रीम स्पीड नहीं पता, तो पहले आप अपस्ट्रीम स्पीड निकालोगे कि सर m इज इक्वल टू डी प्लस यू बाय 2, तो पहले आप यहां से u निकालोगे कितना आएगा 8 किलोमीटर पर आवर, फिर उसको आप यहां पर यूज करोगे एंड देन आंसर बोलोगे कि सिर्फ 6 आवर्स के अंदर। क्या ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को, कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट ना दे करके डेटा ऐसे घुमा फिरा के बात करता है। डन है सृष्टि, अमित, राहुल वगैरह, उम्मीद कर सकता हूं मैं कि समझ आई ये बात आप सभी बच्चों को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा सा अगेन आपको लिख के देता हूं, फिर हम लोग जो मैं क्वेश्चन टाइप करके लाया ना, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने टाइप किए हैं, वन बाय वन आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर करना। तो एक लास्ट मैं आपको, और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लेता हूं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैन कैन स्विम अलोंग द रिवर कॉमा अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है। ही कॉम फिर फुल स्टॉप ही कैन स्विम अगेंस्ट द रिवर अ डिस्टेंस ऑफ अगेंस्ट द रिवर अ डिस्टेंस ऑफ लेट से मैंने बोला 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है। फिर मैंने पूछा फाइंड इन हाउ मच टाइम ही कैन स्विम 45 किलोमीटर इन स्टिल वॉटर, ठीक है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप बताओ क्या आंसर होना चाहिए। तो मैंने बेसिकली ये बोला
कि एक आदमी है जो अलोंग द रिवर 40 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल करता है, अगेंस्ट द रिवर 40 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रैवल करता है, तो ये बताओ स्टिल वाटर में वो 45 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल करेगा? सर क्या आप एस्केलेटर और रेसेस भी करवाओगे? जी विनित, मैं देखो विनित, दो चीज़ें मेरे पास, या तो मैं वो करवाऊंगा, या फिर मैंने ना आई थिंक 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले ना लीनियर और सर्कुलर रेस दोनों पढ़ाया था इन डिटेल, एक वन शॉट सेशन मैंने लिया था। अब हो सकता है कि आप बच्चों को ढूंढने में उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो उस सेशन को मैं, जो एमर्स बैच की प्लेलिस्ट है ना इस चैनल पे, आप देखोगे जो एमर्स बैच की प्लेलिस्ट है, उस एमर्स बैच की प्लेलिस्ट में वो सेशन में ऐड करवा दूंगा, चलेगा? क्या बोला मैंने कि लीनियर और सर्कुलर मैंने 3-4 महीने पहले, एमर्स बैच के नाम से नहीं कराया था, ऐसे 3-4 महीने पहले मैंने वन शॉट में कराया था लीनियर और सर्कुलर दोनों। तो मैं क्या करूंगा कि वो जो लीनियर और सर्कुलर का मेरा सेशन है ना, उसे एमर्स बैच में मैं ऐड करवा दूंगा, ताकि आप बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो। तो आप एमर्स बैच की प्लेलिस्ट को ओपन करना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने अभी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर उसमें ऐड करवाया था, एमर्स बैच में मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ाया नहीं, वो जो मैंने 4-5 महीने पहले एक वन शॉट लिया था, तो वहीं से मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एमर्स बैच में ऐड करवा दिया था, एमर्स बैच की प्लेलिस्ट में, क्योंकि मुझे लगा है सेम सेशन दोबारा पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? तो मैंने ऐड करवा दिया था, तो सेम मैं लीनियर और सर्कुलर भी ऐड करवा दूंगा, ताकि मैं आप लोगों को एलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट करूं जल्दी, ठीक है? एरिथमेटिक के अगर कुछ पोर्शन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं तो वहीं से कर लेना। अब आपको वीडियो ढूंढने में टाइम लगेगा तो मैं प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा, सो दैट मैं एलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। सृष्टि, मैंने टाइम एंड वर्क करवा दिया है एमर्स बैच में, मैंने टाइम एंड वर्क करवाया सृष्टि, आप प्लेलिस्ट देखना एमर्स बैच की, उसमें टाइम एंड वर्क मैंने करवाया है। चलो मुद्दे पे आ जाए, देखो अच्छा आंसर क्या है यार, आंसर से तो भटकी गए हम लोग। ईशान का 5 आ रहा है, ज्योति का आंसर 5 आ रहा है, और किसी का, विनीत का आंसर 5 आ रहा है, और कोई बच्चा, और है कोई 5 आंसर वाला? चलो देख लेते हैं। अलोंग द रिवर का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। अगर आप डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम वाइज? 10 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में अगर आप 40 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रैवल करते हो, तो आपकी अप स्ट्रीम स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने जो पूछा है, मैंने स्टिल वाटर में पूछा है, मैंने जो टाइम पूछा है वो मैंने पूछा है स्टिल वाटर में, तो स्टिल वाटर में तो आदमी अपनी ही स्पीड से स्विम करता है। अगर आपको टाइम बताना है तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस जाना है 45, लेकिन स्टिल वाटर में तो आदमी अपनी स्पीड से स्विम करता है ना, तो अपॉन में आदमी की स्पीड आएगी। अब अगर आपको डी पता है, यू पता है, तो एम की वैल्यू कैसे आएगी? दैट इज 10 + 8 / 2, यानी कि 9। तो आदमी की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या करना, 45 को 9 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर 5 आएगा, ठीक है? तो बस ठीक है यार, तो इट मींस कि आपको ये सब करने का मतलब है कि बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक्स क्लियर है। पर ध्यान रखना, बेसिक्स क्लियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर आ गया, इतना भी आसान नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में बनते हैं, वो सारे मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, दैट्स व्हाई क्वेश्चंस मैंने कराए। तो अब मैं वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चंस रखता हूं, ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, आप लोग ट्राई करना, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, सही गलत वट एवर बी द तरीका, एक बार आप ट्राई करो और अपने हिसाब से बताओ क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है? अ मैन कैन रन 900 मीटर अगेंस्ट, कितना लिखा, 12 मिनट है, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 मिनट। हाँ सही है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपके ऑप्शंस हैं 6, ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 6, ऑब्वियसली 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 1/4 किलोमीटर पर आवर, या फिर 4 1/2 किलोमीटर पर आवर। क्या लगता है सही ऑप्शन क्या होगा? तो एक आदमी है जो कि 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम 12 मिनट में ट्रेवल करता है, एंड वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे 9 मिनट में, तो बताओ आदमी की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है? अच्छा लगे आते यार, वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है,
मतलब बाकी मर्जी आपकी है, अगर ठीक लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो फिलहाल आंसर बता दो। अब ये मीटर मिनट ना मैंने जान के डाला है, थोड़ा ऐसी ठीक है। चलो देखें, अगर आदमी 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, अगेन नहीं अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम अगर आप 900 मीटर है, अच्छा उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 900 को आप डिवाइड करोगे 1000 से ताकि ये किलोमीटर में आ जाए, राइट। अपॉन में टाइम कितना है 12 मिनट, तो 12 को आप डिवाइड कर देना 60 से, मिनट को आवर्स में करने के लिए, ताकि ये इस तरह से आ जाए। बाकी जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज 0.9 आएगा, ये 1/5 हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा तो 4.5 आएगा, तो कितना आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आर। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, तो सेम 900 मीटर है, किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड, टाइम कितना लगता है 9 मिनट, मिनट को आवर्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 ताकि आवर्स में आ जाए। फिर आप कैलकुलेट कर लेना, यहां से 0.9 आएगा, 0.9 को 0.1 पे कट करेगा, 60 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो बेसिकली 6 किलोमीटर पर आर आएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो आदमी की स्पीड स्टिल वाटर में बतानी है, तो कितना आंसर आएगा, दैट इज 6 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, डन। बाकी आप इसको कैलकुलेट करें, जब आप कैलकुलेट करोगे क्या लगता है सही आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ये 5 1/4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप कैलकुलेट भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 20, ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 21 पे, तो 5 1/4 सही आंसर होगा, ठीक है। विनीत और ईशान का आंसर सही था, विच इज गुड, डन है बात, क्लियर सभी बच्चों को। नेक्स्ट पे आ जाए, कोई डाउट तो नहीं यार, कोई डाउट हो तो प्लीज चैट के थ्रू पूछ लेना यार, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस आप पूछने वाले बनो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। तान्या आप एलजेब्रा भी कराओगे क्या? नहीं तान्या, मेरे को एलजेब्रा आता नहीं है, तो इसलिए मैं एलजेब्रा नहीं करा पाऊंगा, मतलब कराऊंगा तान्या, मजाक कर रहा हूँ, एलजेब्रा मैं कराऊंगा, जल्दी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एमर्स बैच में शुरू करूंगा मैं यूट्यूब पे, और इट्स अराउंड देखूंगा मैं 20th of August से मोस्ट प्रोबेबल मैं स्टार्ट करूंगा। अरे ठीक है यार, मजाक में बोल रहा था। हाँ क्या बोला आपने सृष्टि सर, हम 18/5 से नहीं कर सकते हैं डिवाइड, ये चीज अच्छा पूछा है किसने, क्या नाम है सृष्टि ने, सृष्टि आप 18/5 से इसलिए नहीं कर सकते, 18/5 से हम लोग तब करते हैं जब ये कनेक्शन होता है ना कि किलोमीटर पर आर में स्पीड गिवन है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 5/18 से करते हैं, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकंड में उसे किलोमीटर पर आर में करने के लिए हम लोग 18/5 करते हैं, ठीक है सृष्टि, तो ये चीज हम करते हैं। लेकिन यहां पर जो आप स्पीड देखोगे ना सृष्टि, वो कैसे है, मीटर पर मिनट में है, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम मिनट में है, तो जो स्पीड है वो मीटर पर मिनट में है और उसको किलोमीटर पर आर में बदलना है, तो इसलिए हम लोग वो 5/18 का फंडा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में होता और किलोमीटर पर आर में आना होता, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर, तो आप 18/5 करते, लेकिन यहां पे जो स्पीड है वो डिस्टेंस मीटर में और टाइम मिनट में है, यानी मीटर पर मिनट में है स्पीड, तो इसलिए आप तरीके से चेंज करना पूरा, ठीक है सृष्टि। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, सृष्टि एक बार चैट के थ्रू बता देना समझ आ गया या नहीं, खैर इसको आप लोग ट्राई करेंगे। अभी रो अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर एंड रो डाउनस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, तो सही है। टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 इन स्टिल वाटर ही विल टेक कितना टाइम, आपके ऑप्शन है 3.2 आवर्स एंड 2.8 आवर्स, 2.4 आवर्स या फिर 2.2 आवर्स।
ठीक है, ईशान का कहना 2.8, सोनू का कहना 2.8, और 2.8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है यार। ठीक है, आते हैं मुद्दे पे। मैंने बोला अभी जो रो करता है डिस्टेंस 28 किलोमीटर 4 घंटे में, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी ऑब्वियसली। और अभी ध्यान रखना धीरे धीरे करके मैं लेवल अप करूंगा, मतलब मैं उस कैटेगरी में नहीं कि आकर बिना मतलब के 4-5 डिफिकल्ट से क्वेश्चन करा दिए बच्चों को, ठीक है, वो सब मैं नहीं चाहता। मेरा सिंपल फंडा है कि भाई बेसिक से शुरू करके धीरे धीरे करके लेवल अप करो, ठीक है, ताकि बच्चा वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको खुद से भी डील कर पाए बड़े आराम से, अगर बेसिक बनाते हो ऊपर जाए। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि बस आके 4-5 रैंडम से और डिफिकल्ट से क्वेश्चन करा दिए, राइट, या फिर बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन करा करा के चले गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, धीरे धीरे करके बातों का लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो पॉइंट इज कि कई बच्चे ना एकदम से जज करने लगते हैं कि अरे इतना आसान क्वेश्चन कैट में नहीं आएगा, सब आता है, सब कुछ सीखो, पूरा कंप्लीट सीखो, जीरो से लेकर के, मैंने क्या बोला, बिल्कुल जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक जाओ। ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ा करो यार, आधी अधूरी चीजें मत पढ़ा करो, इसीलिए मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते बच्चों के। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, या तो कोई बिल्कुल ही बेसिक लेवल का पढ़ रहा होगा चैप्टर, या कोई बिल्कुल ही डिफिकल्ट लेवल के वो 10-15 क्वेश्चन करता है और वो फील लेता है कि मेरे को चैप्टर आता है, क्यों, क्योंकि वो बिना मतलब के वो जो डिफिकल्ट से 10-15 क्वेश्चन कर रखे हैं, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल जीरो टू टॉप लेवल तक जाया करो। ठीक है, किसी भी चैप्टर को जब करते हो। खैर, आप 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करते हो 4 आवर में, तो 28/4 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम स्पीड है, और डाउनस्ट्रीम आप 50 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं 2 में, तो 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलो ये कहानी आ तक हो गई। अब उसके बाद क्या बताना है, 44.8 स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा। स्टिल वाटर मतलब आदमी की स्पीड पता होनी चाहिए, तो आदमी की स्पीड क्या होगी, 25 + 7/2 यानी कि 16 होगी। अब आदमी को मतलब स्टिल वाटर में टाइम कितना लगेगा, अगर स्टिल वाटर मतलब आदमी की स्पीड 16, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किसकी आएगी, क्योंकि स्टिल वाटर में बताना है तो आदमी की स्पीड आएगी सिर्फ, तो 44.8 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व आप करेंगे इसको, तो जब आप सॉल्व करोगे तो 16 2 32 होता है, 12 कैरी गया 16 8 जा, यानी 2.8 आंसर आएगा। डन यार, आई होप ये बात क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज चैट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं तब तक, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता प्लीज चैट में पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन रो अ डिस्टेंस ऑफ 15/4 किलोमीटर, ठीक है, अप स्ट्रीम इन 3/2 आवर एंड अ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, हाउ मच टाइम द पर्सन टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ये मैं चाहता हूं कि यार मैक्सिमम बच्चों का मैं चाहता हूं आंसर है, एटलीस्ट 10 बच्चों का आंसर तो आए इस क्वेश्चन का, ठीक है, एटलीस्ट 10 बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। ऑप्शन है 15, 20, 18 या 24। ईशान आपका कहना है 30 30, तो ऑप्शन भी नहीं ईशान, मैं कुछ अलग ही निकालूंगा सर आंसर, ऑप्शन से ही अलग। हाँ, तो ईशान 20 आंसर आ गया, ओके, और 20 का 30 टाइप, बढ़िया है, शुभम 20, सोनू 20, ओके, मैं भी उन टीचर की तरह बिहेव करता हूँ जो कौन से होते हैं वो जो खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा कि वाओ आप सबके आंसर आ गए, ईशान का भी आया है आंसर, शुभम, सोनू, और किन किन बच्चों के आंसर आए हैं, मैं मस्त लगते यार वो टीचर, मैं कई बार देखता हूँ, मेरी भतीजी क्लास लेती है ना, मैं देखता हूँ कई बार फुल खुश के साथ, खुशी के साथ। क्या हो बच्चों, आज हम एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ट्वेंटी, चलो मुद्दे पे आते हैं।
खैर अप स्ट्रीम यार 15/4 किलोमीटर 3/2 आवर्स के अंदर, तो देख लेते हैं यार। सबसे पहले अप स्ट्रीम स्पीड 15/4, डिस्टेंस इज 15/4, टाइम कितना है 3/2 है, तो 2 इसको 2 पे कट करेगा, 3 उसको 5 पे कट करेगा, इन शॉर्ट कितना आएगा 2.5 आएगा, ठीक है 2.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँ तो आप 13 किलोमीटर 2 आवर्स में ट्रैवल करते हैं, तो 13/2 यानी कि 6.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने पूछा वहीं यार कि बताओ कितना टाइम लगेगा, और देखो ना स्टिल वाटर है तो बेसिकली आदमी की स्पीड पता होनी चाहिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, 6.5 + 2.5 डिवाइडेड बाय 2। अब 6.5 और 2.5 को ऐड करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ध्यान से करना, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 आ जाएगा, ठीक है कितना आ गया 4.5 आ गया। और अरे यार ईशा, तो बाकी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 90, ठीक है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 90 और 4.5 20, ठीक है 20 आवर्स। डन, चल मुद्दे पे आते हैं और यहां तक की बातें खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 7 किलोमीटर पर आवर। अ बोट गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, इट टेक 6 आवर्स 40 मिनट इन टोटल, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ए बी डाउन स्ट्रीम। अच्छा ऐसा कुछ था क्या? शिनचैन। चलो ऑप्शन है 3 आवर्स। यहां पर ना यार कुछ अलग सी बात करनी है मुझे आपके साथ, ठीक है इस क्वेश्चन में थोड़ा कोई डिफरेंट अप्रोच समझेंगे, कि क्वेश्चंस को अप्रोच करने का एक डिफरेंट तरीका समझेंगे, बट पहले आप ट्राई करना उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है पहले आप ट्राई जरूर करना। ऑप्शन है 3 आवर्स 36 मिनट एंड 4 आवर 16 मिनट 5 आवर्स 12 मिनट या फिर 4 आवर 48 मिनट। ठीक है थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे, ठीक है बाकी मैं चाहूंगा पहले ट्राई कर लो, ठीक है और अगर आपसे आपको लगे कि नहीं हो पा रहा तो चैट में लिख देना कि सर आप ही करा दो AKD, ठीक है बाकी एक बार ट्राई करो। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 7 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है जो ए से बी जाती है और बी से ए वापस आती है 6 आवर्स 40 मिनट में, ठीक है इंजेती का कहना है बी ऑप्शन, यानी पूरे आलस के साथ कि इतना लंबा कौन टाइप करेगा सर, ठीक है तो बी ऑप्शन ही ले लो। खैर ये ए बी सी डी इंजेती, वैसे बी ऑप्शन आप ये कहना चाह रहे हो इंजेती, 4 आवर 16 मिनट राइट। फोर आर सिक्सटीन मिनट तान्या आपका कहना है 4 आवर 48 मिनट। ओके देखते हैं और कोई एक आधा बच्चा और आंसर करना चाहता हूं। ईशान आपके हिसाब से भी 4 आवर 16 मिनट। ओके चलो मुद्दे पे आते हैं। नहीं यार फोर, हालांकि सही आंसर 4 आवर 48 मिनट है, ठीक है 4 आवर 48 मिनट सही है, 4 आवर 16 मिनट सही नहीं है, बट कोई बात नहीं, द बेस्ट थिंग कि आप लोगों ने ट्राई किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 4 आवर 48 मिनट सही आंसर है। अब मुद्दे पे आते हैं, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट है जिसमें आप ए टू बी जा रहे हो, पहले आप ए से बी जा रहे हो फिर आप बी से ए आ रहे हो, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, है ना सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो,
अच्छा इसमें ना देखो, इसने ये बोला नहीं है कि आप ए टू बी कैसे गए या बी टू ए कैसे आए, मतलब अप स्ट्रीम गए या डाउन स्ट्रीम गए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोला ना क्वेश्चन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो आप कुछ भी मान लो, देखो यार, अगर आप डाउन स्ट्रीम गए होगे तो वापस आप अप स्ट्रीम आए होगे, जाहिर सी बात है, या अगर आप अप स्ट्रीम गए होगे तो वापस आप डाउन स्ट्रीम आए होगे, जाहिर सी बात है, राइट। तो पॉइंट इज कि डिस्टेंस सेम है, इस बात को पकड़ो बस कि डिस्टेंस सेम ट्रैवल आप कर रहे हो, लेकिन जो आप डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहे हो उसके दो केसेस है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाइज सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक। अब मेरी बात को सुनना, देखो यहां पर अगर आप देखो तो बोट या आदमी एक ही बात होता है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, तो बोट की स्पीड कितनी है 25, रिवर की स्पीड कितनी है 7, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 25 और 7 यानी 32, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी 25 में से 7 जाएगा तो दैट विल बी 18, राइट। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 32, अप स्ट्रीम इज 18, तो मैं एक सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, है ना, और उस सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करते वक्त जब मैं डाउन स्ट्रीम गया मेरी स्पीड 32 थी, अप स्ट्रीम आया मेरी स्पीड 18 है। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो स्पीड का रेशियो क्या है 16 से 9, तो जो मुझे टाइम लगेगा वो लगेगा 9 से 16। इस बात को कैच करो ध्यान से कि डाउन स्ट्रीम वाइज आप अगर 9 यूनिट टाइम में पहुंचते हो तो अप स्ट्रीम वाइज 16 यूनिट टाइम में वापस आते हो, तो इसका मतलब आने जाने में आपको रेशो वाइज कितना टाइम लगा 25, आने जाने में रेशो वाइज 25 यूनिट का टाइम लगा, और क्वेश्चन में क्या बोला गया कितना टाइम लगा, दैट इज 6 आवर्स 40 मिनट। 6 आवर्स 40 मिनट का मतलब होता है 400 मिनट, तो 25 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से है 400 मिनट। 25 को अगर 400 बनाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 16। मैंने आपसे यह पूछा है कि ये जो ए बी डिस्टेंस है ना डाउन स्ट्रीम वाइज, मैंने क्या बोला, अगर आप ट्वाइस डिस्टेंस ट्रैवल करो, मतलब ए बी का डबल डिस्टेंस ट्रैवल करोगे डाउन स्ट्रीम वाइज, तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो आप 16 को यहां पे इंटू करो, क्योंकि डाउन स्ट्रीम वाइज टाइम आपको 9 यूनिट लग रहा था, 9 में 16 करो तो 144 आएगा, 144 मिनट। तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम वाइज मुझे ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगता है 144 मिनट, तो डाउन स्ट्रीम वाइज मुझे ए बी का डबल डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगेगा 288 मिनट, और 288 मिनट का मतलब होता है 4 आवर 48 मिनट। क्या ये बात क्लियर है, ये बात पकड़ में है, रेशो वाली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा है ना आप सभी बच्चों ने। मैंने क्या बोला था कि कभी भी जब आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस सॉरी स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस बात का यूज करना ताकि आप जल्दी आंसर निकाल पाओ, तो इस रेशो वाली बात को यूज किया करो, ठीक है, डन है ना, समझ तो आ गया ना। चलो आंसर नहीं आया कुछ बच्चों का, बट समझ आ गया अच्छे से। पल्लवी, इंजेती, तान्या, जो भी बच्चे हैं, आई होप क्लियर है बात, पूरी पिक्चर पूरी तरह क्लियर है, ठीक है। मैं ना एक क्वेश्चन ऐसा आपको देता हूं, ऐसा ना रेशो वाला एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, टाइप तो मैंने किया था मुझे याद है, है ना, और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन देता हूं जिसमें डेटा बड़ा डिफिकल्ट था, मतलब ये कैट में तो नहीं आया था, बट जिस एग्जाम में, देखो एग्जैक्टली एग्जाम नहीं याद है, बट जिस एग्जाम में आया था बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे क्योंकि डेटा बहुत डिफिकल्ट था, तो पक्की बात है जो इक्वेशन वगैरह की हेल्प लेते हैं वो नहीं कर पाए थे, क्यों, क्योंकि डेटा टफ था, लेकिन रेशो वाले जो रेशो वगैरह की अप्रोच रखते हैं बच्चे वो इस क्वेश्चन को डील कर गए थे। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये रहा। अब देखो इसमें क्या कहता है, अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम वाइज कहीं गया और फिर वहां से वापस आया अप स्ट्रीम, कितनी देर में 4 आवर 54 मिनट। एक तो टाइम देखो कितना डिफिकल्ट है, जो बच्चा इक्वेशन बनाता है ना फिर वो 4 आवर 54 मिनट को पूरा कन्वर्ट करता है कि 4 + 54/60 इसको सॉल्व करेगा वगैरह। उसके बाद बोला कि जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में देखो 31.85, कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर, और जो रिवर की स्पीड है वो 13.65, अगेन कॉम्प्लिकेटेड नंबर, ठीक है। फिर पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बेसिकली ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आप मूव करना स्टार्ट करते हैं, और ये आपकी डेस्टिनेशन, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनेशन, तो ये डिस्टेंस पूछा गया बेसिकली, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 54 रेशो वाली बात का यूज करना थोड़ा,
54.6 किलोमीटर, 63.7 किलोमीटर एंड 69.8 किलोमीटर, 64.75 किलोमीटर। ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई करो, आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें पोल तो मैं कर नहीं सकता क्रिएट, चलो आप लोग आंसर बताओ यार। क्या आंसर होना चाहिए? 54.6, 63.7, 69.8 और 64.75। हाँ जी, आया किसी बच्चे का आंसर? करें थोड़ा डिस्कशन। देखो बात को ध्यान से सुनना। हाँ देखो, क्वेश्चन में ये तो क्लियर है कि मान लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और यहाँ से आप जाते हो बी पॉइंट, है ना। पहले आप गए हो कैसे, आप डाउन स्ट्रीम वाइज गए, फिर यहाँ से आप वापस आए अप स्ट्रीम वाइज, है ना। डाउन स्ट्रीम वाइज गए और अप स्ट्रीम वाइज आप वापस आ गए, ठीक। ओके, तो मुझे डाउन, तो यहाँ पर दो केसेस हैं, यहाँ पर दो केसेस हैं, एक डाउन स्ट्रीम का और एक अप स्ट्रीम का, और दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। अगर आप देखोगे तो दोनों ही केसेस में आपका जो डिस्टेंस है वो आप सेम ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहे हो। ओके, स्पीड क्या है? तो स्पीड पर आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। आदमी की स्पीड कितनी है? दैट इज 31.85। रिवर की स्पीड कितनी है? दैट इज 13.65। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों को माइनस कर लो। तो जब आप दोनों को माइनस करेंगे, जैसे 5 और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। सॉरी ऐड कर लो, सॉरी सॉरी ऐड कर लो। तो जब आप ऐड करोगे तो ये 45.5 आ जाएगा बेसिकली। और जब आप अपस्ट्रीम स्पीड निकालते वक्त इनको माइनस करेंगे, सो दैट विल बी 13, 18.2 हो जाएगा, ठीक है, 18.2। तो अपस्ट्रीम स्पीड है 45.5 और डाउन स्ट्रीम स्पीड है आपकी 18.2। फिर आप इनको कैंसिल आउट करना। तो जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो यू विल फाइंड कि सर देखो, डेसिमल से डेसिमल गया और 91 के टेबल में 2 पे जा रहा है, 91 के टेबल में 5 पे जा रहा है ना। तो स्पीड जो है वो 5 से 2 के रेशो में, तो जो टाइम है वो 2 से 5 के रेशो में हो जाएगा। यानी कि 2 यूनिट टाइम में, यानी कि ए टू बी, अगर मैं डाउन स्ट्रीम, मैं ए से बी गया 2 यूनिट टाइम में, तो मैं बी से ए वापस आया 5 यूनिट टाइम में, तो आने जाने में मुझे कितना यूनिट टाइम लग गया? 7। और क्वेश्चन के हिसाब से 4 आर 54 मिनट। 4 आर 54 मिनट का मतलब होता है 4 घंटे का मतलब होता है 240 मिनट, और उसमें 54 ऐड कर दो तो बेसिकली 294 मिनट। तो 7 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 294 मिनट कितने पे कनेक्ट हो रहा है? तो आप कहोगे सर कनेक्ट हो रहा है ये 42 पे, 42 पे कनेक्ट हो रहा है। कि मतलब ये जो रेशियो वाइज आपने टाइम लिखा है, अगर इसे एग्जामिनर के डेटा पे लेके जाना है तो 42 मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, देखो आपको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस आप कैसे भी बता सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। डिस्टेंस अगर आपको बताना है कि भाई डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के लिए आप एक काम करो, डिस्टेंस आपको निकालना है ना, तो डिस्टेंस के लिए क्या करो, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 45.5। तो 45.5 में आपको डाउन स्ट्रीम वाइज जो टाइम लगा है, जो टाइम आपको लगा है डाउन स्ट्रीम वाइज, वो लिख दो। या फिर अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप अप स्ट्रीम वाला डेटा उठा लो कि सर अप स्ट्रीम वाइज स्पीड मेरी 18.2 है,
बट आप यहां पे लिखो कि भाई अप स्ट्रीम वाइज आपको कितना टाइम लगता था, कोई भी एक बात उठा लो जो आपको ठीक लगे, दोनों में से कोई भी एक बात ले लो, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ डाउन स्ट्रीम वाली बात को फॉलो करता हूँ। तो देखो डाउन स्ट्रीम वाइज मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं इस 2 के अंदर 42 मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया 84 मिनट। तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम वाइज मुझे 84 मिनट लगे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो 45.5 की स्पीड से, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड 45.5 थी, तो 45.5 की स्पीड से 84 मिनट मैंने ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम क्या 84 मिनट है, मिनट को आवर्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, देन उठा के आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर 63.7 किलोमीटर आएगा। एक बार चैट के थ्रू बताना जेन्युइनली, क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई? ठीक है, आंसर नहीं आया फर्स्ट टाइम में, आंसर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, बट क्या समझ आया सभी बच्चों को? हाँ जी, एक बार चैट के थ्रू बताना, क्लियर है सबको? विनित, इंजेती, तान्या, जो भी बच्चे हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ने से पहले यार आपके 2 मिनट में लूंगा, 2 मिनट में कुछ इंफॉर्मेशन है उसको मैं फटाफट से समअप करूंगा, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो पॉइंट ये है, सबसे पहले तो यार ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज अनअकैडमी अंडरस्कोर रमन, यहाँ करके आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी बच्चों को मैं बता दूं जिन्हें नहीं पता है, ये एमर्स बैच है, एमर्स बैच की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस एमर्स बैच के दौरान मैंने स्टार्ट किया था परसेंटेज से, फिर मैंने आपको रेशो पढ़ाया, फिर अभी मैंने हाल फिलहाल में मिक्सर एंड डेलीगेशन चल रहा था, ठीक है, उसका एक सेशन मैं रखूंगा, हालांकि एक सेशन इसका भी मैं मिक्सर एंड डेलीगेशन का रखूंगा एक सेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने कराया, बट स्टिल अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक सेशन मैं और रखूंगा। टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीटेड है, ठीक है, टाइम एंड वर्क हमारा हो चुका है इसके अंदर, और अभी फिलहाल मैंने बोट पढ़ाना स्टार्ट किया बोट, ठीक है। तो एक एक जो स्टेप बचे हैं वो मैं कराऊंगा, बाकी फिलहाल मैं आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अनअकैडमी अंडरस्कोर रमन, कोई भी डाउट है वहां पर आकर के आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप सभी बच्चों के बाद पता है कि यार मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, स्पेशली वो मॉक टेस्ट देना जहां पर मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हो, ताकि मुझे मेरी एक जेन्युइन रैंक पता लगे। तो इसीलिए अनअकैडमी एक फ्री मॉक टेस्ट रख रहा है, ठीक है, ताकि आपको पता लगे यार अभी मैं राइट नाउ कहां स्टैंड करता हूं, ठीक है। तो आपको जैसा भी आता है, जितना भी आता है, आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। 14th अगस्त यानी कल 12 बजे टेस्ट होने वाला है, डिस्क्रिप्शन ओपन करना एक बार, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे वहां पर आपको लिंक दिख जाएगा, इस AIMT का लिंक दिखेगा, उस लिंक पे आप करना क्लिक, क्लिक करके उस एक फॉर्म सा होगा उसमें अपनी डिटेल फिल कर देना, और वो रेफरल कोड मांगेगा, तो रेफरल कोड जो मेरा रेफरल कोड है वो आप यूज कर लेना, RM10, ठीक है, मेरा नाम रमन है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है RMN10, तो RMN10 ये रेफरल कोड आप यूज करना, ताकि आओ और रजिस्टर कर लेना। शुक्रिया विनय चैट में लिखने के लिए, खैर, और इसमें पार्टिसिपेट इन शॉर्ट जरूर करें। और बाकी यार हमारे जो बैचेस वगैरह को अगर आपको ज्वाइन करना है, और आपको प्रॉपर एक इकोसिस्टम चाहिए जहां पर कि कंप्लीट मॉक टेस्ट हो, ठीक है ना, सेक्शनल टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, एक प्रॉपर मैनर में पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाए, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बैचेस चलते हैं। जैसे अभी एक कैट 23 का बैच स्टार्ट हो रहा है, एक बैच कैट 22 का बैच स्टार्ट हुआ है, वो इवनिंग बैच है, ये बैच आपका 12th अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इन बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। प्लस रखा गया आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस पूरी आपका इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, वेल स्ट्रक्चर वे में कोर्स PDF, ओपन हाउस, अनअकैडमी कम्युनिटी, लाइव टेस्ट क्विजेस, आस्क अ डाउट, मतलब अपना हैंड रेस करो, माइक ऑन करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो। बूस्ट मिलेगा सर वीडियो को लाइक करने से हाँ वो तो मैं बोलना भूल गया। गौरव, अभी मैंने ज्योमेट्री के फॉर्मूला बुक कंप्लीट कराई थी बच्चों की, फॉर्मूला बुक मैंने ऐप पर सेशन लिए थे पर, और फिर मैं बता देता हूँ ज्योमेट्री में अभी फ्री कंटेंट में मैंने क्या पढ़ा रखा है। एक तो मैंने कंप्लीट फॉर्मूला बुक बच्चों की बनवाई, ठीक है, जिसमें बहुत सारे यूनिक शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बच्चों को बताए थे, और वो बच्चों ने फॉर्मूला बुक अपनी प्रिपेयर करी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है बता देना, मैं सेंड कर दूंगा, वो फॉर्मूला बुक की पूरी PDF है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज डाल देना, ठीक है। तो कंप्लीट फॉर्मूला बुक, और उसके बाद मैंने इसी चैनल पे कैट कैटलिस्ट पे एक आई थिंक 3 आवर का एक सेशन लिया था, जिसमें मैंने एक ही बारे में 2017 से 2022 तक के सारे PYQ एक ही सेशन में कराए थे, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि मैं एक एक करके Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 ऐसे ऐसे करके मैं सेशंस रखूं। मुझे जो लगता है कि यार वन शॉट में करा के खत्म करो, ठीक है, ताकि बच्चे को कभी भी देखने हो PYQ वो एक ही वीडियो को ओपन करे और वन बाय वन अपने PYQs देख ले, ठीक है, डन है, क्लियर ना? तो बस दैट्स इट यार, ये चीजें हैं।
और बाकी प्लस आइकॉनिक नाम के दो सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लस लेते हैं, ठीक है। क्लियर नहीं है फॉर्मूला बुक, मतलब मयूर, मतलब फॉर्मूला बुक में जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं वो क्लियर नहीं है आपको। अगर फॉर्मूलाज आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे मैंने बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले लिखे हुए हैं कई चीज़ों को कैलकुलेट करने के, डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने बता रखे हैं ना, जैसे ये सब क्वेश्चन थे कि भाई ट्राइंगल है उसके चारों तरफ ये शेडेड रीजन है, ठीक है, तो ये शेडेड एरिया निकालना है, मतलब ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। तो इन सब चीज़ों को आप एक काम करो, क्या नाम है मयूर, अगर वो फॉर्मूला बुक में जो डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने फॉर्मूलाज के लिखवाए, अगर कोई फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो अन अकेडमी ऐप पर, इसलिए मैंने सेशंस लिए थे, कम से कम 4-5 सेशन मैंने लिए थे जिसमें हर एक फॉर्मूला को मैंने क्लियर किया था। अच्छा पिक क्लियर नहीं है? नहीं यार, पिक्स तो क्लियर थी, शायद आपने कोई और पीडीएफ डाउनलोड कर लियो। मैं एक बार मुझे मैसेज डाल देना मयूर आप, तो मैं आपको दोबारा से शेयर कर दूंगा, बाकी उस पीडीएफ में तो पिक्स वगैरह सही से थी, ठीक है। बाकी रेस्ट अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, जैसे सोनू आपको CAT 23 का ज्वाइन करना है, देख लेना, प्लस आइकॉनिक जो भी लेना आपको, डिजिटल और फिजिकल नोट GDPI वैट के लिए आप प्रिपेयर करोगे, 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं आपको, टेस्ट एनालिसिस एंड एक्सपर्ट की गाइडेंस, ये सब आपको देखने को मिलता है, मतलब 1-to-1 अटेंशन मिलती है थोड़ी सी जब आप आइकॉनिक लेते हो। जैसे मैंने बताया 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, और आपको दो मेन मेन बातें हैं, GDPI वैट के लिए प्रिपेयर कराना और फिजिकल नोट्स, मतलब स्टडी मटेरियल आपके घर आ जाएगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है, 6, 9, 12, 15, कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना, इट्स अप टू यू। और बाकी फिर आप इसे वन शॉट में पे करना चाहते हो वन शॉट में करो, नहीं तो EMI पे। जो रेफरल कोड आपको डालना है, देखो हर एडुकेटर के अपने अपने रेफरल कोड होते हैं, बच्चा अपने हिसाब से जिस एडुकेटर का रेफरल कोड यूज करना है वो कर लेता है। मेरा जो रेफरल कोड है, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करना चाहते हो तो दैट इज RMN10, मेरा नाम रमन, उसी का शॉर्ट फॉर्म RMN10, तो ये रेफरल कोड आप यूज कर लेना, ठीक है, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। अगर आपने कोड डाला ही नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोड जरूर डालना है, ठीक है। बाकी बैचेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन मैंने बताई दी, कल आपका AIMTA परफॉर्म कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म फिल कर देना, 14 अगस्त कल 12 बजे, पार्टिसिपेट जरूर करना है सब, ठीक है। ये हमारा CAT 21 का रिजल्ट है, जिन बच्चों ने अपना IIM कन्वर्ट किया, बतेरे बच्चों में से कुछ चुनिंदा बच्चों के नाम आपके सामने हैं, ठीक है। सैंपल नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने, कैट के नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी रखो, एग्री करो टर्म्स को, डाउनलोड करो अपने नोट्स। बाकी यार प्रिपेयर फॉर द कैट एग्जाम इन अ राइट वे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 600+ PYQ उसके साथ, लास्ट 5 ईयर को एनालिसिस करते हुए, कैट के डिफिकल्टी लेवल को मैच करते हुए आपको AIR तक पहुंचाना हमारा मतलब फीचर है, हमारी कोशिश है, तो आप उस बैचेस को ज्वाइन करें एंड बस शुरू हो जाए। बाकी यार आपका डेली डोज चलता है 15 मिनट का, 6 से 6:15 तक का, डेली 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और कई बच्चे हैं जो डेली रूटीन पे इस टेस्ट को देते रहते हैं, डेली चलता है 15 मिनट अपना, 5 क्वेश्चन का टेस्ट देते रहते हैं, और फिर हर संडे उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस होता है, ठीक है। क्लियर, चलो शुरू करते हैं। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, अभी तो ये वाला किया था ना, कहाँ गया ये वाला, ठीक है वापस आ जाओ, सीक्वेंस से चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करना, लगाना दिमाग, मतलब फील आएगा, करो एक बार। आपने क्या बोला सोनू, कौन सा बेस से रहेगा अच्छा, मतलब कौन सा बेस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 211 किलोमीटर, वन बोट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स बी इन डाउन स्ट्रीम एट 7:45 AM, आफ्टर 1 आवर अनदर बोट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट बी टूवर्ड्स ए एट 12:45 PM, बोथ बोट विल मीट इफ द स्पीड ऑफ द बोट फर्स्ट एंड द स्पीड एंड सेकेंड इज 26 and 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन स्टिल वाटर, ठीक है, देन फाइंड द करंट। एक तो ये कैपिटल में क्यों आ गया, स्मॉल में ए, ठीक है करो आप लोग सॉल्व करो, समझ तो गए होंगे। ये स्मॉल में है ए, कहीं कोई बच्चा बोले सर इसी वजह से तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि आपने कैपिटल एंड में कैपिटल ए लगा दिया, ग्रामेटिकल एरर्स थी इस क्वेश्चन में, तो दैट्स व्हाई इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, ठीक है। कौन सा अच्छा रहेगा जिसमें बेसिक से पढ़ाई, अरे सोनू CAT 20 अच्छा पूछ लिया आपने, 18 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उस बैच में स्टार्टिंग के जो क्वांट्स है ना उसमें स्किल बिल्डर कोर्स है, ठीक है ना, स्किल बिल्डर,
तो स्किल बिल्डर से मतलब है उसमें मेरी क्लासेस होंगी क्वांट्स की। सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग की 12 क्लासेस होंगी जिसमें कि स्किल बिल्डर कोर्स है, जिसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा जैसे कि वैदिक मैथ्स, कैलकुलेशन की ट्रिक्स, या फिर कई बार बच्चों को लगता है कि यार कोई भी चैप्टर के पहले मुझे अगर थोड़े बहुत बेसिक्स अगर पता होते तो बेहतर होता। जिसमें बच्चे कई बार कहते हैं कि सर मैं सोच रहा हूँ 6th 7th 8th की NCERT या 9th 10th की एक बार NCERT दोबारा कर लूँ, हालांकि वो करने की जरूरत नहीं है। आपकी सबसे पहले जो कैट 23 वाले बच्चे हैं उनका 18 अगस्त से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि स्किल बिल्डर, सबसे पहले स्किल बिल्डर क्लासेस चलेंगी। मतलब सबसे पहले आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि जब हम चैप्टर शुरू करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये कोर्स है 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उस बैच में आप इनरोल कर लेना, क्या नाम है, सोनू, ठीक है। और बस दैट्स इट, उसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लस आइकॉनिक आप देख लेना जो भी है, और कोड ये यूज़ करना ना भूलें, RMN10, ठीक है, इस कोड का यूज़ कर लेना। बाकी सोनू अगर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है आपको, तो टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना, जब मैं फ्री होऊंगा कल तो आपसे 1-to-1 बात कर लूँगा, ठीक है। बस बेसिकली ये मैं कर सकता हूँ अपनी साइड से। चलो अब आप बच्चे एक बार सॉल्यूशन बता दो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन है 9 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। ओके सो आंसर्स पे आते हैं। तान्या का कहना है 9, ऋषभ का कहना है 9, सर फॉर्मूला बुक नहीं है ज्योमेट्री का। गौरव मैं शेयर कर दूंगा, अभी क्लास ओवर होगी ना तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप मुझे एक बार पर्सनल में मैसेज डाल देना गौरव, तो मुझे और याद रहेगा कि हाँ यार इस बच्चे को फॉर्मूला बुक भेजनी है, ठीक है। क्या बात है यार, बहुत अच्छे, कई बच्चों के आंसर 9 आए, विच इज गुड 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 गुड, बहुत अच्छे। आतिश, तान्या, ऋषभ, इंजेति, विनीत, बहुत अच्छे। चलो तो अब जरा डिस्कशन कर ही लेते हैं, ठीक है, या चाहिए एक आधा मिनट, हो गया ना सबके आगे आंसर। डन है, चलो आ जाए स्टार्ट करें। देखो अब बात को सुनना, देखो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या, पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 211 किलोमीटर, तो ये पॉइंट हो गया मेरा ए और ये पॉइंट हो गया मेरा बी, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है 211 किलोमीटर, ठीक है। कहता है एक बोट है जो स्टार्ट करती है मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स बी इन डाउन स्ट्रीम एट 7:45 AM। अच्छा जी, तो यहाँ से एक बोट है जो ए से स्टार्ट करती है और ये 7:45 AM स्टार्ट करती है बोट मूव करना, और कैसे मूव करती है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, फिर कहता है एक घंटे बाद यानी 8:45, तो 8:45 AM एक और बोट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है बी की तरफ, और ऑब्वियसली वो डाउन स्ट्रीम आ रही है तो ये अप स्ट्रीम आएगी, ये वाली बोट आपकी अप स्ट्रीम आएगी ऑब्वियसली। और कहता है 12:45 पे दोनों बोट आपस में मिल जाती हैं, और फिर बताया गया कि जो पहली बोट है द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बोट इज 26 एंड द सेकंड बोट इज 18 रिस्पेक्टिवली स्टिल वाटर में, तो बताइए करंट की स्पीड क्या है। अच्छा आप समझते हैं, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लो कि एक घंटे बाद यानी 1 आवर के बाद, देखो ये 8:45 पे मूव करना स्टार्ट कर रही है, तो मैं उस पॉइंट पर आता हूं जब दोनों बोट मूव कर रही हैं, मतलब दोनों बोट मूव कर रही हैं, तो मैं रिलेटिव स्पीड का फंडा लगा पाऊंगा, राइट। तो मैंने देखा कि यार मान लेते हैं जो ए बोट है ये एक घंटे में, मतलब 7:45 से 8:45 यानी एक घंटे में वो क्या होगी, यहां से यहां आ जाएगी एक घंटे में, यानी कि 8:45 AM ये बोट ए से ए डैश पर आ गई, है ना, डाउन स्ट्रीम वाइज, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक। अब देखो अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बोट, अब ये बोट क्या हो रहा है, ये बोट यहां से चल रही है और ये बोट यहां से चल रही है और ये दोनों बोट चल रही हैं, और मान लो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल जाती हैं, मीट कर लेती हैं, तो ये मीट कितने बजे करते हैं, दैट इज 12:45, है ना। अब 8:45 के बाद आप ना यहां से कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करो, आप मेनली कैलकुलेशन को ना यहां से जरा ऑब्जर्व करो, यहां से यहां की तरफ ऑब्जर्व करो। तो अगर आप यहां से यहां देखोगे 8:45 से बेसिकली, तो 8:45 से के बाद 12:45 पे दोनों बोट आपस में मिल रही हैं, मतलब जो ए डैश से बी तक का डिस्टेंस है, ए डैश से बी तक का डिस्टेंस है, उसको ये दोनों बोट, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसको कवर करने में इन दोनों बोट को टाइम लगा 4 घंटे। अगर मैं 8:45 से देखूं तो ए डैश से बी तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम लिख दिया मैंने। अच्छा स्पीड क्या होगी,
तो मेरे भाई स्पीड में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड, जब दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। अब यहां से जो बोट चल रही है, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम मूव कर रही है बोट, तो इधर से जो बोट चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है। अच्छा, बोट की जो बोट ए है उसकी स्पीड 26 है और रिवर की स्पीड मान लो आर है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 26 प्लस आर। और जो बोट इधर आ रही है इसकी स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड 18 है, रिवर की स्पीड आर, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, दैट इज 18 माइनस आर। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, ये जो दोनों बोट है इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। सो 26 प्लस आर में आप ऐड करोगे 18 माइनस आर, तो आएगा 44 आ जाएगा। कितना आएगा, 44। तो यानी ए डैश से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 44 इंटू 4 यानी कि 176 किलोमीटर। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को कि ए डैश बी इज 176 किलोमीटर, राइट? अब अगर ए डैश बी 176 किलोमीटर है तो इसका मतलब जो मेरा ए ए डैश है, ये जो ए ए डैश वाला डिस्टेंस है, इसको तो बोट ए कवर कर रही है ना, सिर्फ बोट ए है जो ए से लेकर के ए डैश तक का डिस्टेंस बोट ए ने अकेले कवर किया है। तो ए ए डैश का डिस्टेंस कितना होगा, 211 में से 176 हटा दो यानी कि कितना हो गया अपना 35 किलोमीटर। कितना, 35 किलोमीटर। अच्छा, मेरी जो बोट है उसकी स्पीड क्या है, जो ये ए बोट है जब वो डाउन स्ट्रीम मूव कर रही है, तो वो 35 किलोमीटर, ए से ए डैश की कैलकुलेशन करो, तो ए से ए डैश डिस्टेंस कितना है, 35। अच्छा, इस दौरान सिर्फ बोट ए चल रही है और बोट ए की स्पीड कितनी है, 26 प्लस आर, और वो कितने घंटे चली ए से ए डैश में, दैट इज 1 आर। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 9 आ जाएगी। पक्का ना, समझ आया सभी बच्चों को? तो आपको बस ये देखो, कभी भी एक क्वेश्चन होता है ना, जब अलग अलग टाइम पे दो बॉडी चलती है, तो पहले ना ये जो पहली बॉडी जल्दी शुरू होगी ना 7:45 पे, पहले उसको एक घंटा चला दो कि भाई सर वो ए से ए डैश पर आ जाएगी, फिर आप मेन कैलकुलेशन ए डैश से बी की करो कि ए डैश से बी पॉइंट पर, ए डैश और बी पॉइंट से जो दोनों बॉट मूव कर रही हैं, ये 8:45 पे मूव कर रही हैं और ये मिली है 12:45 पे, मतलब 4 घंटे में इन्होंने इस डिस्टेंस को खत्म किया है। अर्नव सर एक बार और, कोई नहीं अर्नव, दोबारा मैं बताता हूं। अच्छा, ये ना लास्ट क्वेश्चन है, अब मैं अगला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो अगर किसी बच्चे को लीव करना है तो वो कर सकता है, ठीक है? तो ये मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, किसी को लीव करना है, अगर किसी बच्चे को लगता है उसे ये क्वेश्चन समझ आ गया और वो लीव करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि इसके बाद में अगला कोई और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, फिर हम लोग कल की क्लास में करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा, देखो अर्नब, देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? पॉइंट क्या है, ए से बी तक का डिस्टेंस है, ठीक है? ये ए से बी, ये ए हो गया, ये बी, यहां से जो बोट है वो चली है 7:45 AM और कैसे चली है, डाउन स्ट्रीम चली है, ठीक है? अच्छा, जो स्पीड होगी बोट ए की, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम चल रही है, तो बोट की खुद की स्पीड है 26 और रिवर की स्पीड मान लो, जो स्पीड ऑफ रिवर है, करंट है, वो आर है, तो इस बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड यानी 26 प्लस आर। यहां से जो बोट चल रही है वो चली है 8:45, वो कितना चली, 8:45 AM चली, और वो चल रही है अपस्ट्रीम, ठीक है? और उसकी स्पीड कितनी है, बी बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 18, बट क्योंकि वो अपस्ट्रीम चल रही है, रिवर की स्पीड आ रहा है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस आर हो जाएगा। क्लियर बात अर्नव, पॉइंट वैलिड? संयुक्ता, हाँ संयुक्ता, तो यहां तक समझते, ठीक है? अब देखो पॉइंट क्या है ना, जब दो बॉडी अलग अलग टाइम पे मूव करती है, तो पहले आप क्या करो ना, आप क्वेश्चन को सेम टाइम पे कैलकुलेट करो, आप बेसिकली क्वेश्चन को चलाओ 8:45 के हिसाब से। तो सबसे पहले 7:45 से 8:45 तक तो ए बोट खुद ही चलती रही ना, 7:45 से 8:45 तक, मतलब जो बोट ए है वो 7:45 से 8:45, मतलब एक घंटा अकेले चल रही है, और वो ए पॉइंट से ए डैश पॉइंट पर आ गई। तो मतलब जो मेरी पहली बोट है ना, ए बोट, ए से ए डैश तक का डिस्टेंस उसने अकेले ट्रेवल किया है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है ना ए ए डैश, ये बोट ए ने अकेले खत्म किया है। लेकिन वहीं जो ए डैश से बी तक का डिस्टेंस है वो ये दोनों बोट मिलके खत्म कर रही हैं। क्या ये बात पकड़ में आई, दोबारा सुनना, कैच करना पॉइंट को, कि दो बोट ए से ए पॉइंट से एक बोट स्टार्ट हुई और एक बोट बी पॉइंट से स्टार्ट हुई, दोनों चलते हुए 12:45 आपस में मिले, लेकिन मेरे भाई ए से ए डैश तक तो बोट ए अकेले चली ना, ए डैश के बाद दोनों बोट मूविंग कंडीशन में आ गई है, ए डैश के बाद, ये जो ए डैश से बी तक का डिस्टेंस है इसको खत्म करने के लिए दोनों बॉडी मूव कर रही है, राइट? अब सुनना,
यहां पर अब मेरा पॉइंट ये है कि यार ये दोनों बोट जो मिली हैं, ये जो दोनों बोट मान लो इस पॉइंट पर मिली, तो ये दोनों बोट मिली हैं कितने बजे, 12:45, 12:45। तो अगर मैं सिर्फ ए डैश बी डिस्टेंस पे ध्यान दूं, सिर्फ ए डैश बी पे मैं ध्यान दूं, तो ए डैश बी तक का डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, लेकिन ए डैश बी तक का जो डिस्टेंस है, ए डैश से बी तक का डिस्टेंस, उसको खत्म करने के लिए दोनों बॉडी मूव कर रही हैं, दोनों बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा ऐड होती है, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब अगर मैं ए डैश बी की कैलकुलेशन कर रहा हूं, ए डैश से बी की कैलकुलेशन, तो उस दौरान रिलेटिव स्पीड कितनी है, दैट इज 26 प्लस आर और प्लस में 18 माइनस आर, यानी कि 44 है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड विच इज 44 इंटू में टाइम, टाइम कितना हो गया, तो यार 8:45 से 12:45 यानी 4 घंटे, तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज 4, तो कितना आ गया, 176 आ गया। तो ए डैश बी का जो डिस्टेंस है वो है 176 किलोमीटर। तो इट इंप्लाइज कि जो ए ए डैश का डिस्टेंस होगा, तो संयुक्त यहां पर ध्यान से देखना, ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 211, उसमें से ए डैश से बी तक का डिस्टेंस 176 निकाला, तो ए ए डैश का डिस्टेंस कितना होगा, माइनस ही तो करोगे ना, यानी 35, तो ए ए डैश का डिस्टेंस कितना होगा, 211 माइनस 176 यानी कि 35। अब पॉइंट ये है कि ये जो ए ए डैश वाला डिस्टेंस है ना, ए से ए डैश वाला, ये वाला डिस्टेंस, इसको खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बोट ए मूव कर रही है, यानी कि जो बोट ए की स्पीड है ना, उसी स्पीड से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस खत्म हुआ है ए से ए डैश तक का। क्यों? क्योंकि 7:45 से 8:45 तक सिर्फ बोट ए मूव कर रही है, ठीक है। अब ए ए डैश पे आ जाओ, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है ए ए डैश का, 35। ए ए डैश के लिए ए की बोट मूव कर रही है और उसकी स्पीड क्या है, 26 प्लस आर, तो जी 26 प्लस आर, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस 35, स्पीड है 26 प्लस आर, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना, 1 घंटा, क्योंकि 7:45 से 8:45, तो टाइम तो 1 ही घंटा हुआ ना, 1 आवर। तो यहां से क्या निकल गया, 35 इज इक्वल टू 26 प्लस आर, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, और आपको वही बताना है। डन है, संयुक्ता वगैरह जो भी बच्चे हैं सबको समझ आ गया क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स इट यार, आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे की वार्तालाप तक कल करेंगे, और कल बोर्ड एंड स्ट्रीम के थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और फिलहाल में यार कल आप लोग पार्टिसिपेट करना ना भूलें, दैट इज 14 अगस्त, AIMT 12 बजे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, RMN10 कोड डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और दैट्स इट यार, कोड मैं बता ही चुका हूँ जो यहाँ पर भी है, ठीक है, मतलब 10% के डिस्काउंट के लिए, वट एवर, फ्री क्लासेस को अनलॉक करना है, कॉम्बैट वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, रेफरल कोड एक ही है, RMN10। शुक्रिया आप सभी बच्चों का, वीडियो को लाइक कर देना अगर ठीक लगे तो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ कि यार ऐसे एक एमर्स बैच है और एक सर है ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, तो वहां पर आके पढ़ सकते हो, और बाकी सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। चल, और बेल आइकन यार जरूर दबाना, जैसे तभी मेरे वो जो यूट्यूब पे जब मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, बेल आइकन दबाना, क्यों, तभी नोटिफिकेशन आएंगे मेरे सेशंस के जब यूट्यूब पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलो, ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट आप सभी बच्चों को, कल मिलेंगे, आगे की वार्तालाप तब करेंगे, ठीक है।